हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने जनरल कॉम्पिटिशन्स, इंट्रेंस एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आसानी से इस तरह के फिगर्स में नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर सकेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि इस फिगर में ये छोटा छोटा जो स्क्वायर्स है वो टोटल 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, यानी 4 रोज़ हैं, और उसी तरह 4 कॉलम्स भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 स्क्वायर होगा 16। ठीक है, अब 4 रोज़ और 4 कॉलम्स थे, अब क्या हुआ कि 1 रो और 1 कॉलम को हम लोग घटा देंगे, मतलब 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, 3 × 3, 3 स्क्वायर यानी हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद एक और रो घटाना है, एक और कॉलम, तो 2 × 2, 2 स्क्वायर 4, और फिर 1 × 1, 1 स्क्वायर 1। ठीक है, अब इस टोटल को आप लोग ऐड कर दीजिए, 16, 9, 25, 4, 29, 1, 30। तो टोटल इस फिगर में अभी तक हमने 30 स्क्वायर्स काउंट कर लिया है, और अब कोई स्क्वायर बन नहीं रहा है। ठीक है, ये जो एक फिगर बन रहा है ये पैरेललोग्राम है, और उसके अलावा कोई भी इस तरह का फिगर नहीं बन रहा है जिसको हम लोग स्क्वायर में इंक्लूड किया जा सके। तो इसलिए इस फिगर में टोटल्स 30 स्क्वायर्स हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।